वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, शोक। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो अपना क्या है डिजीज, हेल्थ एंड इलनेस में जो डिजीज जो है अपनी, उसके अंदर क्या है अपना आज का टॉपिक अपना क्या है, शोक। शोक के बारे में क्या है अपना आज डिस्कस करेंगे। शोक क्या होता है? शोक अकर व्हेन द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द सेल आर नॉट बीइंग मीट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। क्या है शोक? शोक का मतलब व्हेन, जब द मेटाबॉलिक नीड ऑफ सेल, जो मेटाबॉलिक नीड है किसकी, सेल की, वो क्या है फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि वहां पे इनएडिक्वेट क्या है ब्लड फ्लो हो जाता है। तो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो अपनी सेल है उसकी क्या है नीड है, वो मेटाबॉलिक नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाती, उसी को अपन क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं। इन इफेक्ट देयर इज ए रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इन द ब्लड प्रेशर एंड इन कार्डियक आउटपुट। इसका इफेक्ट क्या होता है, जो अपना सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो क्या है रिड्यूस हो जाता है इसमें, ब्लड के प्रेशर के अंदर। तो क्या होगा, अगर ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है, अगर कभी भी ब्लड की वॉल्यूम कम होती है उस टाइम पे क्या होता है, प्रेशर अधिक होता है, ठीक है। और प्रेशर अधिक होगा तो क्या होगा, आउटपुट यानी कि बार बार क्या है वो साइकिल बार बार सर्कुलेट होगा। दिस कॉजेज टिश्यू हाइपोक्सिया एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द एक्युमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। क्या होगा इस केस के अंदर, टिश्यू जो है उनको प्रॉपर, अगर उनका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या है प्रॉपर नहीं होगी। और किसी भी सेल टिश्यू को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है, जो अपनी सेल है टिश्यू है उनको क्या है प्रॉपर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस्चीमिया के अंदर क्या है, दो कंडीशन होती है, एक होता है हाइपोक्सिया एक होता है इस्चीमिया। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, और इस्चीमिया के अंदर क्या है, ब्लड नहीं मिलता। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या होगा वहां पे, जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट है उनका क्या है एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शोक क्या है, शोक की कंडीशन कब डेवलप होती है, शोक की कंडीशन उस कंडीशन में डेवलप होती है जब मेटाबॉलिक नीड जो है सेल की, जो मेटाबॉलिक नीड है वो क्या है उसको फुलफिल नहीं हो पाती, ठीक है। किस वजह से, वहां पे जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता, यानी कि एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं होती। इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होने के कारण क्या होगा, वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो अपना सर्कुलेटिंग है ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या है कम हो जाएगा। दिस कॉज टिश्यू हाइपोक्सिया, और इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी। हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो क्या है सेल और टिश्यू के पास नहीं पहुंच पाते, इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, और वहां पे क्या है इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या है इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, टाइप कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा टाइप है अपना, हाइपोवोल्यूमिक शोक है। सेकंड क्या है, कार्डियोजेनिक शोक है। नेक्स्ट क्या है, सेप्टिक शोक है। देन आफ्टर क्या है, न्यूरोजेनिक है। देन आफ्टर क्या है,
एनाफिलेटिक शोक है। ये क्या है अपने पांच प्रकार के क्या है शोक होते हैं। तो जब अपना शोक कितने टाइप के होते हैं, पांच टाइप के क्या है शोक होते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या है हाइपोवोलेमिक शोक। हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर क्या होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं हाइपोवोलेमिक बोलते हैं। हाइपोवोलेमिक के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप होती है अपनी, हाइपोवोलेमिक शोक जो है उसके अंदर क्या है, जो अपना ब्लड का वॉल्यूम है वो 15 से लेके 25% तक क्या है कम हो जाता है। इसके अंदर क्या है जो कंडीशन डेवलप होती है, कौन सी कंडीशन डेवलप होती है, सबसे पहले क्या है जो अपना ब्लड है सीवियर हेमरेज होगा। सीवियर हेमरेज होने की वजह से क्या है अपना जो होल ब्लड है वो क्या है लॉस्ट हो जाता है। ये तो इसकी क्या है फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव बैंड के अंदर क्या होता है, जो अपनी सीरम है, सीरम जो है वो क्या है डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये क्या है एक्सटेंसिव होती है। देन आफ्टर क्या है थर्ड, थर्ड के अंदर क्या होता है सीवियर वोमिटिंग होती है और डायरिया होता है। तो सीवियर वोमिटिंग और डायरिया के अंदर क्या है वाटर और जो अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका बैलेंस क्या है जीरो हो जाता है, उनका बैलेंस क्या है इम्बेलेंस जाता है। नेक्स्ट क्या है पेरिटोनिटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये क्या है चार कंडीशन होती है हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर। हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर क्या होता है, जो होल बॉडी का अपना 15 से 25% का जो अपना ब्लड वॉल्यूम है वो क्या है रिड्यूस हो जाता है। देन आफ्टर क्या होगा, या तो अपने जो टोटल ब्लड है वो लॉस्ट हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, या फिर अपना क्या है केवल सीरम लॉस्ट हुई है, ठीक है, या फिर अपनी क्या है वोमिटिंग और डायरिया होने की वजह से क्या है अपनी बॉडी के अंदर फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है, ठीक है, या कोई भी केविटी जो है वो क्या है एंटर हो गई है, ठीक है। ये क्या है इसकी चार कंडीशन होती है। देन आफ्टर अपना आता है कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक शोक के अंदर क्या होता है, कार्डियोजेनिक के अंदर क्या होगा एक्यूट कोई भी हार्ट डिजीज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है हार्ट की जो मसल्स हैं वो क्या है डैमेज हो जाएंगी, उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं कार्डियोजेनिक शोक बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि MI जो है वो क्या है इसका एग्जाम्पल है। देन आफ्टर अपना आता है सेप्टिक शोक। सेप्टिक शोक के अंदर क्या होता है कोई भी सीवियर इन्फेक्शन होगा, कोई भी सीवियर इन्फेक्शन होगा बैक्टीरियल, जिसकी वजह से क्या है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इस टाइप का जो शोक है वो क्या होता है इसको अपन बैक्टीरियमिक और एंडोटॉक्सिक शोक भी अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपना है न्यूरोजेनिक शोक। न्यूरोजेनिक शोक क्या होता है न्यूरोजेनिक शोक के अंदर, न्यूरोजेनिक शोक के अंदर होगा कोई भी सडन एक्यूट पेन होगा, ठीक है, सीवियर इमोशनल एक्सपीरियंस आएंगे, ठीक है, और उनकी वजह से अगर कोई शोक होता है तो वो किस टाइप का होगा न्यूरोजेनिक का होगा, यानी कि नर्वस सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट रहता है, ठीक है, वो जो शोक है वो किस टाइप का होगा न्यूरोजेनिक टाइप का होगा। अगर न्यूरोजेनिक शोक होता है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो अपनी ब्रेन है उसके पास क्या है जो ब्लड है उसकी क्या है जो सप्लाई है वो कम होने लग जाएगी, और इस कंडीशन के अंदर क्या है जो पेशेंट है वो क्या है अनकॉन्शियस हो जाता है। तो न्यूरोजेनिक के अंदर क्या है अनकॉन्शियस हो जाता है। देन आफ्टर क्या है एनाफिलेटिक शोक। एनाफिलेटिक शोक के अंदर क्या होता है कोई भी एलर्जिक कंडीशन होगी, ठीक है, किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी और वहां पे जो एलर्जिक कंडीशन होगी वो किस कौन से टाइप का शोक होता है एनाफिलेटिक टाइप का क्या है शोक होता है। तो सबसे पहला क्या है अपना हाइपोवोलेमिक है। हाइपोवोलेमिक के अंदर क्या हो रहा है ब्लड लॉस हो रहा है। कार्डियोजेनिक के अंदर क्या हो रहा है हार्ट की मसल्स लॉस्ट हो रही है। सेप्टिक के अंदर क्या हो रहा है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। न्यूरोजेनिक के अंदर क्या हो रहा है नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आ रहा है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और एनाफिलेटिक के अंदर क्या है
जो अपने रिएक्शंस हैं, कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो क्या है, शो होती हैं। तो ये क्या है अपने पांच टाइप के क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट शोक होते हैं। तो सबसे पहला क्या है अपना, हाइपोवोलेमिक शोक है। हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर क्या हुआ, दिस अकर कब होता है, दिस अकर व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय द 15 to 25%। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब अपना जो ब्लड की वॉल्यूम है वो क्या है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कितनी, 15 से 25% तक। रिड्यूस वीनस रिटर्न इन ट्रंक कार्डियक आउटपुट में अकर, क्या होगा, जो अपना ट्रंक है कार्डियक आउटपुट के अंदर क्या है, 15 से 25% जो ब्लड की वॉल्यूम की कमी हो जाती है। ये कंडीशन कब डेवलप होती है, सीवियर हेमरेज, या तो कोई सीवियर हेमरेज हुआ है। सीवियर हेमरेज की कंडीशन में क्या होता है, होल ब्लड ही है वो क्या है, लॉस्ट हो जाता है, जो होल ब्लड है वो क्या है, लॉस्ट हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। सेकेंड कंडीशन कौन सी आती है, एक्सटेंसिव सुपरफिशियल बर्न, कोई भी एक्सटेंसिव सुपरफिशियल बर्न हो इसके अंदर क्या होता है, सीरम इज लॉस्ट एंड ब्लड सेल एट द साइट ऑफ बर्न आर डिस्ट्रॉय, जो सीरम है वो क्या है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या है, जो जिस साइट पे बर्न हुआ है उस साइट पे क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये क्या है, एक्सटेंसिव सुपरफिशियल बर्न की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, कोई सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन डेवलप हुई, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया के अंदर क्या होता है, वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या है अपने, लॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है परफोरेशन, परफोरेशन के अंदर क्या होता है, को परफोरेशन ऑफ एन ऑर्गन अलाउ इट्स कंटेंट टू एंटर द पेरिटोनियल कैविटी, क्या है, कोई भी परफ्यूजन हो गया, ठीक है, परफोरेशन हो गया किसके अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर, कैसे होता है, इट कंटेंट टू एंटर द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर कोई कुछ हुआ है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनोटाइटिस, इसको अपन बोलते हैं। जहाँ पे भी ITS आ जाता है उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, कि कोई ना कोई यहाँ पे इन्फेक्शन है। तो हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर क्या है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या है, रिड्यूस होती है 15 से 25% तक, अगर वो रिड्यूस हुई है, रिड्यूस होने का कारण क्या है, कोई सीवियर हेमरेज हुआ है। सीवियर हेमरेज की कंडीशन में क्या होता है, होल ब्लड है वो क्या है, लॉस्ट हो जाता है। एक्सटेंसिव सुपरफिशियल बर्न हुआ है कोई, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सीरम जो है वो लॉस्ट हो जाती है और जो अपने ब्लड सेल है वो क्या है, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, कहाँ पे, साइट पे। सीवियर वॉमिटिंग हुई है, डायरिया हुआ है, उसकी वजह से क्या है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, लॉस्ट हो जाते हैं, और कोई भी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या है, कोई भी कंटेंट आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया।
नेक्स्ट है अपना कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक शोक के अंदर क्या होता है, दिस अकर इन एक्यूट हार्ट डिजीज। ये क्या है, एक्यूट हार्ट डिजीज है, एक्यूट हार्ट डिजीज कॉज करता है व्हेन द डैमेज्ड हार्ट मसल्स कैन नॉट मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। जो अपना कार्डियक आउटपुट है वो क्या है, जो अपनी डैमेज हो गई हार्ट की मसल्स वो क्या है, उसको मेंटेन नहीं कर पाती, वो मेंटेन नहीं करने के कारण से क्या होगा, वहाँ पे जो MI होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होगा वही क्या है, कार्डियोजेनिक शोक होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी सेल जो है वो क्या है, डैमेज हो जाती है। किस वजह से, उसके पास क्या है, प्रॉपर वे के अंदर क्या है, ब्लड नहीं पहुँच पाता। ब्लड अगर वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुँचेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर किसी भी सेल टिश्यू के पास अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसके पास क्या है, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे, तो क्या होगा, वो सेल डैमेज जाएगी। डैमेज होने के बाद क्या है, वो आगे का जो अपना वर्क है वो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट अपना है सेप्टिक शोक। सेप्टिक शोक में क्या होता है, दिस इज कॉज्ड बाय, दिस इज कॉज्ड बाय सीवियर इन्फेक्शन इन विच एंडोटॉक्सिन आर रिलीज इनटू द सर्कुलेशन फ्रॉम डेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसका अपन एग्जांपल क्या है इसका, एंटीरियर बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास। दिस इज कॉज्ड बाय सीवियर इन्फेक्शन। ये कब होता है सेप्टिक शोक, सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर होता है। कब, विच एंडोटॉक्सिन आर रिलीज इनटू द सर्कुलेशन ऑफ डेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या है, एंडोटॉक्सिन है वो क्या है, रिलीज हो जाते हैं किसमें, सर्कुलेशन के अंदर, किसके द्वारा, जो डेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनके द्वारा क्या है, सर्कुलेशन के अंदर क्या है, एंडोटॉक्सिन जो है वो सीक्रेट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या है, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, सेप्टिक शोक होता है। ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एंटीरियर बैक्टीरिया होता है और एक है सुडोमोनास होता है। द मोड ऑफ द एक्शन, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द टॉक्सिन इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, इट मे बी दैट दे कॉज ए अपार्ट रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन एंड पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लार्ज वेन्स। द रिड्यूस द वीनस रिटर्न ऑफ द हार्ट एंड द कार्डियक आउटपुट। क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन के अंदर क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स है वो क्या है, डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस द वीनस रिटर्न टू द हार्ट, एंड द कार्डियक आउटपुट।
नेक्स्ट क्या है अपना, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, द कॉज इंक्लूड सडन एक्यूट पेन। इसके अंदर क्या होता है, सडन एक्यूट पेन होता है, सीवियर इमोशन एक्सपीरियंसेस आते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। स्पाइनल एनेस्थीसिया और क्या है, इस आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, डैमेज हो जाएगा। पैरासिंपेथेटिक नर्व इम्पल्स रिड्यूस द हार्ट रेट। पैरासिंपेथेटिक जो नर्व इम्पल्स है वो क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी किसकी, किसको, हार्ट रेट को, एंड इन टर्न द कार्डियक आउटपुट द वीनस रिटर्न में ऑल्सो बी रिड्यूस बाय द पुलिंग ऑफ द ब्लड इन डायलेटेड वेन। दीज चेंजेस इफेक्टिवली रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कॉजिंग फेंटिंग। द पीरियड ऑफ अनकॉन्शियस इज यूजली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। जो न्यूरोजेनिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, सडन एक्यूट पेन होगा, सीवियर इमोशनल एक्सपीरियंसेस जाएंगे, आपकी जो स्पाइनल एनेस्थीसिया और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, डैमेज हो जाएगा। पैरासिंपेथेटिक जो नर्व है वो क्या करेंगी, इम्पल्स रिड्यूस करेंगी किसकी, हार्ट रेट को, इससे क्या होगा, जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो क्या है, रिड्यूस होगा। ठीक है, जो वीनस रिटर्न है वो क्या है, रिड्यूस होगा किसकी वजह से, जो आपकी पुलिंग हुई, किसको, जो आपकी ब्लड वेसल्स डायलेटेड हुई थी उसकी पुलिंग होने की वजह से क्या है, वो रिड्यूस हो जाएगा। जो चेंजेज हुए हैं वो क्या, किस पे इफेक्ट डालेंगे, आपकी जो ब्रेन है उसकी जो ब्लड सप्लाई है उस पर इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, फेंटिंग होगी। ठीक है, और उस दौरान क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस की, अनकॉन्शियस हो सकता है कब, एक छोटे से शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए वो क्या है, वो पेशेंट आपका क्या है, अनकॉन्शियस होगा। नेक्स्ट आपके क्या है, एनाफिलैक्टिक शॉक है, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी एलर्जिक कंडीशन होती है, इन एलर्जिक रिएक्शन एंड एंटीजेनिक इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी एंड ए वैरायटी ऑफ रिस्पांस कैन बी अकर। इन सीवियर केसेस द केमिकल रिलीज हिस्टामिन ब्रेडिनिन प्रोड्यूस वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स ब्रोंकियोस्पाज्म। द वेजोडाइलेशन फाउंडली रिड्यूस द वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट रिजल्टिंग द टिश्यू हाइपोक्सिया। ब्रोंकियोस्पाज्म रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग इन द लंग्स इंक्रीज टिश्यू हाइपोक्सिया। क्या है, एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर क्या होता है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, कस कब होती है, एंटीजन इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी एंड ए वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्स कैन अकर। इसके अंदर क्या होगा, जो ब्रोंकियोस्पाज्म होता है, ब्रोंकियोस्पाज्म के अंदर क्या होता है, जो अपने ब्रोंकोल्स हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या है, जो एयर है वो क्या है, कम एंटर होती है, जिससे क्या है, जो लंग्स के अंदर क्या है, हाइपोक्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
जब अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं उसके अंदर, शोक के अंदर, इन द शॉर्ट टर्म दीज आर एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल अटेम्प्ट टू रिस्टोर एंड एडुकेट ब्लड सर्कुलेशन। इफ द स्टेट ऑफ शोक पेरिस्टाइज ऑफ द लॉन्गर टर्म चेंजेस मे बी इरिवर्सिबल। इस कंडीशन के अंदर क्या है, जो मेन चेंजेज हैं वो क्या है, अपनी हाइपोक्सिया हो सकती है। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है, जो अपनी सेल टिश्यू उनके पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। एक तो हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, सेकंड क्या आपकी वेजोडाइलेशन होता है, ठीक है। थर्ड क्या आपकी वेजोडाइलेशन के अंदर क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो क्या है, डायलेट होती है। देन आफ्टर क्या है, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या है, लो हो जाता है इस कंडीशन के अंदर।